ईद मुबारक बड़ी बारिश हो रही है। ईद है आज। ईद मुबारक झंग से बड़ी बारिश हो रही है। पता ही नहीं कैसा जमया जबरदस्त चल ठहर के वेख ला पड़े तो मैं वो भी खरीद के दूंगी। ऐसी बारिश हो रही थी रात को, देखो कितनी। अब 7 बजे और सब उठ गए हैं, साबा भी उठ गई हुई है। मैं यहाँ पे खीर वो सेवियाँ बना रही हूँ, माफिया यहाँ पे ये कर रही है काम। चल बस माफी बंद कर देने। चम्मच इत्थे जी असीं गोश्त धो के रख्या है और चावल जो हैं उनको भी हम अभी भिगोएंगे। गोश्त की बनेगी लैम्ब कढ़ाई और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मसाले। इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई में तेल, तेल के ऊपर मैंने सूटे हैं खड़े मसाले। जैसे ही हमारे मसाले कड़कड़ा, जब हमारे मसाले अब खड़े होने, खड़े या कड़कड़ाने लग गए, तड़पने लग गए, दे विच मैं आगे दे विच डालता हूँ। हाँ चल बस, अब मैं इसमें डालूँ गोल। ये देखो माफिया दिखाती है अभी आपको, प्याज जो है इस तरह ये गोल जो है, गोश्त नूं तुसीं चंगी तरह भुन लेना। भुन भुन के उसको ब्राउन कलर कर लेना है और फिर हमने इसमें डालना है नमक, मिर्च, सुखा धनिया, ज़ीरा, वो डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जैसे हमने भूना तो हमने इसमें 4 टमाटर जो हैं छोटे छोटे से काट के वो भी हमने इसमें सूट के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए हुण भुनिया गया, हुण इहदे 'च तुसीं डोल दो पानी। पानी इतना डालना है
कि गोश्त जो है ना वो गलगला जाए, बिल्कुल सीटी लगा के इसके ऊपर बस बंद कर दें। यहाँ सबा काट रही है, प्याज हमने रखी है हांडी इसके ऊपर, और यहाँ मैं बिरयानी का जो है मसाला वो रेडी कर रही हूँ। 2 कप दही में मैंने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, बिरयानी मसाला वो डाल के इसको हमने मिक्स करके रख लेना है। ऑयल को कड़कड़ा के, खड़े मसाले उसमें सूट के, उनको तड़फा के साथ ही हमने प्याज़ों को भी तड़फा लेना है। जब वो तड़फने लग जाएंगे तो बस उनको तड़फने दें। इतनी देर में हमारी खीर ठंडी हो गई थी, खीर को हमने डोंगे में डाल के ऊपर बादाम शताम डोल के हमने फ्रिज में रख दिया। और यहाँ हमारे प्याज जो के बस तड़फ ही रहे थे उसमें हमने जिंजर गार्लिक सोडा, यहाँ देखे सुबह के बज चुके हैं 8 और हमारा खाना जो है वो तैयार हो रहा है। मुर्गी का गोश्त हमने तड़फते हुए मसालों में जब हमने डाल दिया तो बस, तो फिर अच्छी तरह से इसको भूनना है, इतना भूनना है कि गोश्त का जो रंग है वो ब्राउन होने पे आ जाए। बस आज का मेन्यू हमारा छोटा सा ही है, तो बस बाहर रौला पाया जो आती हैं वो गाने गा रही हैं बाहर आके और देखें जी टाइम 8:15 हो गए हैं और यहाँ पे मैं गोश्त को जो है अच्छी तरह से भून रही हूँ। बिरयानी इस कढ़ाई च ना अम्मी बिरयानी बनाते होंगे सन, यदा हूँ वेख के ना कही कि हाए किंज दिए इंज दिए, इसमें ना मेरी अम्मी बिरयानी बनाया करती थी, अल्लाह जना नसीब करे। गोश्त जब अच्छी तरह से भुन गया तो हमने ये जो दही में मसाले मिक्स किए हुए थे वो हमने सारे के सारे इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। वेखो सारा ये ला लो और बस फिर इसको अच्छी तरह से भुने। पहले तो आपने प्याज और लहसुन अदरक के साथ इसको भुना है, अब आपने दही के साथ भून के और ये 6 से 7 टमाटर थे जो मैंने गोल गोल काटे हुए थे इसको भी डाल के अच्छी तरह से भून के, क्रश चिलीज मैंने इसके ऊपर डालनी, फिर मैंने गरम मसाला बाद में डाला और उन्होंने पा के फिर होर तुसी भुनना है। कोरमा बड़ा ही ज़बरदस्त बना और बड़ा ही ज़बरदस्त। फिर हरी मिर्चें इसमें आप डाल दें और इनू चंगी तरह फिर तुसी भुन लो। फिर 2 लैमन जड़े ने ना उन्हों का जूस कट के वह भी तुसी इहदे पा के चंगी तरह भुन लेना। टाइम देखे 9 बजने वाले हैं। दही डाल के इसमें फिर हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। दही पा के चंगी तरह भुनो। इधर साडा पानी भी उबल गया सी चावलों का, चावल हमने इसमें डोल दिए माफिया को, बस पे नहीं बस फिर अली वास्ते रखा से पर हम लेट ही हो गया, चलो कल जमा देंगे। दही हमारा बड़ा ज़बरदस्त जमा था। अच्छा ये फिर सूखा धनिया, क्रश चिलीज, काली मिर्चा, तो मेथी जेड़े वेले कढ़ाई ता भुनन लगेगा कढ़ाई गोश्त उस वे ये पा देनिया ने। इधरों साडा कोरमा जो भी रेडी सी। फिर कढ़ाई जी तुम भुनते पे हो लैम की कढ़ाई, उसमें थोड़ी सी क्रीम आपने एंड पे डालनी है और मैं कहती हूँ ये इतनी मज़ेदार बनी थी, एडी वधिया बनी सी रेसिपी, बड़ी ही ज़बरदस्त। बस इसको अच्छी तरह से फिर भून लेना है कि जो उसका क्रीम का वाइट वाइट है वो सब खत्म हो जाए इसमें। अभी जब डिश आउट होगा ना खाना, गैस की क्या कहते हैं डर से खाना हमने 9 बजे बना दिया, हमें को जानती है कि नहीं जानती है। हाँ जी, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यह मिलन आया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो, किसके साथ आए हो? दोस्त के साथ आए हो? हाँ, जूते तो बड़े प्यारे पहने हैं, हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हैं? ये लो इधर ले लो, कुछ ले ले, ठीक है? चल, हैं? अभी पढ़ के आए हो? अच्छा चल, ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ, मौसम बड़ा सोहना है। इत्थे जी बिरयानी नू लगन लगा जे दम, तो मैंने गोश्त के ऊपर कोरमे के ऊपर सारा हरा मसाला डाल के, चावल डाल के तो हमने लगा दिया इसके ऊपर इस तरह से दम, और फिर मैंने दूध में थोड़ा सा जरदा रंग पा के वो भी वो उत्ते थोड़ा जा छिड़क दिता, ये थोड़े से प्याज वो इसके ऊपर डाले, हमें ये पसंद है और हम ये बड़े शौक से डालते हैं। इसके बाद मैंने एक ली भारी सारा कुजा और उसको मूंदा मार दिया इसके ऊपर ताकि ये दम जो है ना ये पूरा लगा रहे। तो बस जी बाहर का मौसम देखें, बदलों का आसमान सी, बड़ा ही सोहना। ये देखें जी, ये इसकी शलवार है, ये इसका वो है,
और ये बच्चियां सब कह रही हैं ये कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं खाला के। खाला ने कभी ना वो टेंशन नहीं दी कि ये डिजाइन हो वो डिजाइन हो, जो मुझे अपना दिल करता है ना वो मैं खाला के कपड़ों पे वो बन जाता है। ले जी चावलों को लग गया दम, अब हम इनको खोलेंगे। अब हम आपके लेके आओ जरा कैमरा चावलों के। आए आए बड़ा गर्म। ये देखिए ये है, ये देखिए ना लिया, बड़ा वधिया लगा सूट। चलो अस्सलामुअलैकुम। खाना गोश्त भी पक्का, बिरयानी भी पक्की, बिरयानी भी चोर खा, बहुत चोर खा। अच्छा फिर आहो लो जी इत्थे साडे भाईजन भी आ गए और रौनक लग गई घर में माशाल्लाह से। और मैं क्या ना मेरी पाकिस्तान च 27-28 साल बाद पहली ईद सी और बहुत मिस किया, जड़े रिश्ते नहीं सन उन्हां दी कमी बहुत महसूस हुई, अम्मी दी कमी बहुत महसूस हुई। तो भाईजन को लगी हुई थी भूख, उन्होंने कहा जी मुझे फटाफट जो भी है खाने के लिए दो। ये आए थे सुबह 9:30 तक ही आ गए थे, तो ज़ाहिर है रोज़े रख रख के तो फिर इंसान को भूख लग गई। बच्चे का पता नहीं केड़े ने ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਢੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਢੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਢੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਦੌਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਹੀ ਲਿਆ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਲਵੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੁੱਖੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। जुत्ती देखे कितनी अच्छी लग रही है, सूट भी कंटे आहो देखे जी। माफिया के एयररिंग्स कितने खूबसूरत है, मेरे हाथ पे जर्दे का रंग लगा हुआ। अच्छा लॉकेट वहा, हाँ ये वाला ले पाई चला नहीं। मैं अमली नाल व्याह नहीं करवाना, दस अमली क्यों मंदे नहीं। ओ वे डॉल्फिन पई बैठ दे उत्ते। माफिया की लिपस्टिक जबरदस्त, कितनी सोहनी लग रही है, हैं वधिया। चल सही, उसने भी लगवानी है माफिया ने, इसको भी लगा देना भाई। बटन दबाने लिए एक बंदा चाहिए इत्थे, पखे का बटन दबाओ। चल खुला बाह छोटिया करानिया सन। मेहरबानी शुक्रिया थले। हाँ जी चलो भाई सब
आहो पका देने अद्धे सुते अद्धे जागते कने खाना पका लिए बस ए मैं बिरयानी पकाई थी सुबह दो सौ जाके हैं थक गए ये काम बड़ा सी देर में किया पहचान ले इनको वही जो मैंने बनाई है सुबह कढ़ाई करके बताएंगे हलीमा फातिमा माफिया का सूट है जिगर रंग सेम रंग हो गए बड़ी रौनकी है जी 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 सभा बड़ी रौनकी है बड़ी 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 रौनकी है जी जी चले ठीक है जी हमें अभी इजाजत दें अब हम चलते हैं है सभा हाँ जी असि चलिए कितने चलने असि बस सैर सपटे पे जाना है और किथे जाना है सैर सपटे पे जाना है इसने हमें भी लेके हमने भी जाना है तो फिर हम आपको मिलेंगे इसके बाद सभा आंटी रॉक्स बिल्कुल जी चलें ठीक है हमें इजाजत दें अपना ख्याल रखें।